और जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है उतनी परिस्थिति भी वीक होती है, ये लॉ है। और जितनी स्थिति पावरफुल होती उतनी परिस्थिति शक्तिशाली होती है, स्थिति वीक होती है परिस्थिति पावरफुल होती है। तो इसलिए तो बाहर की परिस्थिति को वीक करने के लिए स्वयं की स्थिति को लोग शक्तिशाली बनाना। तो ये बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। अच्छा 26:9, मीठे बच्चे रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। तुम गायन लायक बनते हो पर पूजा नहीं करा सकते, पूजन लायक अभी नहीं बनते हो। पूजन लायक के लिए क्या चाहिए? रिक्विजिट है शरीर और आत्मा, मतलब सिर्फ आत्मा पवित्र तो रहे लेकिन शरीर भी पवित्र, तब पूजन लायक होगा। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? लाइट, क्या स्थिति हो जाएगी? एकदम लाइट, परिस्थिति का असर नहीं होगा। असर नहीं होगा अर्थात चिंतन नहीं चलेगा, समझ आएगा लेकिन चिंतन नहीं चलेगा। और सिर्फ बाबा की ही श्रीमत पर चलेंगे, सब बाबा की। अच्छा श्रीमत पर चलेंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा तो होगी, पहले श्रीमत पर चलते रहेंगे तो पराकाष्ठा होगी ना। चलो आप मुरली से फाइंड आउट करना, तीन ही निशानी है, मुरली से फाइंड आउट करना, लास्ट में देखेंगे, किसी को भी पूछ लेंगे, ऐसे करेंगे आज। तो सभी अलर्ट रहे, तीनों की तीन निशानी। अच्छा गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमा पा लिया, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है, लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है, प्रजापिता ने यज्ञ नहीं रचा है, ये रुद्र यज्ञ है, ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं, अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता, प्रजापति दक्ष के लिए वो शास्त्रों में कहानी है ना कि पार्वती के पहले वाला जो स्वरूप था उमा, तो उस समय वो स्वरूप के मतलब वो पहले वाले जन्म के पिता दक्ष प्रजापति। तो ब्रह्मा है प्रजापिता, प्रजापति वैसा कोई होता नहीं है, प्रजापिता होता है तो वो ब्रह्मा है। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, ये रॉन्ग बनाया हुआ है, शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कथा ही लिख दी है, मतलब उसमें कई सारी ऐसे स्टोरीज कथाएं है जिसमें फिर
बाद में उसने यज्ञ रचा और फिर सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को, और फिर क्रोध आया, फिर वो जल गई, मतलब उसको क्रोध आया उमा को ऐसे। अब कितनी सारी कथा, मतलब वही अगर सार रूप में देखा जाए तो किस तरह एक वैर, विरोध, क्रोध, यही इस पर ही फोकस किया हुआ है शास्त्रों में। अब बाप कहते जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। इससे क्या होता है, ये सब शास्त्रों से मतलब इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो जो सुनने वाले होंगे वो क्या सोचेंगे कि क्रोध नॉर्मल है, क्रोध तो सभी करते हैं, वैर विरोध करना, पार्शलिटी करना, ये भी पहले से चला आया है, तो ये थोड़ा पैगाम जाता है ना आत्माओं में। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए वह सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। अच्छा, प्रजापिता तो एक ही होगा ना, जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मटेरियल यज्ञ, यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, इसमें भी ब्राह्मण चाहिए, वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो न सके, मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम पूज्य बनते हो, मुख वंशावली ब्राह्मण कब पुजारी हो न सके, मतलब हम अपने आप को नहीं पूजेंगे, वो द्वापर क्या तो जब हम मुख से जैसे जन्म हुआ ज्ञान मिला तो अब हमारा पुजारी पना समाप्त हो गया ना, अब हम पूज्य की ओर जा रहे। जब कुख वंशावली तक थे तो पुजारी थे, मुख वंशावली होने के बाद तो हमारी वो पूजा वाली, हाँ दूसरा जन्म हुआ ना, तो अब पुजारी से पूज्य बनने का जो समय है ये वाला जन्म है, ये वाला वो पीरियड है। तो मुख वंशावली कब पुजारी हो न सके, तुम पूज्य बनते हो, वह पुजारी, क्योंकि पुजारी के समय क्या करते थे हम कि केवल गायन करना, उसको बड़ा मानना, स्वयं को छोटा मानना, तो अब हम वैसे बन रहे, तुम पूज्य बनते हो, तुम गायन लायक बनते हो, वह है पुजारी, तुम पूज्य बनते हो, तुम गायन लायक बनते हो, अभी अभी है गायन लायक, तुम्हारी पूजा अभी हो नहीं सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो ये रॉन्ग है, पवित्र है ही सत्युग में देवताएं, हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है, आजकल तो वह रिवाज नहीं है, सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है, वह सब है ठगी, इसलिए चित्र भी ऐसे बनाया होता था, करते थे ना हिंदू धर्म में, पीते होंगे बहुत शुरू शुरू में, तो यशोदा मैया ही पीती थी, ब्रह्मा बाबा जब स्नान करके आते थे तब यशोदा मैया करती थी, ये लिखा हुआ है बुक में। अच्छा, करते थे मतलब एक रिगार्ड की भावना उस तरह के, स्त्री पति के ईश्वर गुरु मानते थे ना, तो चरण धोकर पीते थे, तो पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है आदि है, यह सब है ठगी, इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है, लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है, समझते वह भी सब करती थी, लक्ष्मी जी भी ऐसे करती थी, हिंदू नारी को यह करना चाहिए, हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या, हाफ पार्टनर है ना, वैसे तो
इक्वल भी मानते हैं लॉ वाइज, और वैसे हाफ पार्टनर शब्दों में बताया जाता है, किस्म किस्म के होते हैं। तो जो रसम देखते वह चित्र बना देते हैं। अब वहां क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाले था ना, पुरुष प्रधान समाज था, तो इस कारण फिर हर चित्र भी वैसे ही बनाया था। और जब पूज्य, जब कोई इष्ट को इस तरह बता दे तो लोगों को ये मैसेज देना बहुत सहज हो जाता है कि ऐसे हमको भी करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को इस तरह बता दिया तो फिर ऐसे बोल सकते हैं समाज में कि ऐसे करना चाहिए। तो हिंदू नारी को यह करना चाहिए। अब वहां तो जो रसम देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। पहले रसम होता है फिर चित्र बनता है, क्योंकि उस चित्र को एक प्रूफ देने के लिए। अब वहां ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते हैं सतयुग में मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं, संगम युग में उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है, वह सब है व्यर्थ बातें। बाबा पैर दबाते हैं ना बच्चों के। वहां राम को तो चार भाई होते नहीं, वहां बच्चा भी तो एक ही होता है। हर चीज में एकदम परफेक्शन है ना, तो रचना भी इस तरह, एक बच्चा एक बच्ची। तो ये सब है व्यर्थ बातें, चार बच्चे कहां से आए। बाप कहते मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूं, ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अच्छा तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो गीता में। अब कहते गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते हैं, भगवान को हाजिर, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना ये कहते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते, तो ईश्वर के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है ये अभी बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि उसमें भी गीता के सामने भगवान के नाम पर कसम उठवाई है। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही, फिर बोलने वाले भी झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि कसम भी झूठा है। जिसके प्रति बोला जा रहा है वो तो है नहीं ना उस गीता का, तो वो रॉन्ग, तो इसलिए वो कसम है उसमें भी ताकत नहीं है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। अच्छा सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात ही नहीं होती, सब हिसाब किताब चुक तू कर वहां चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी तो नई से पुरानी होती है ना, ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको पता नहीं है। पुरानी है लेकिन कितने तक पुरानी है, कितने तक है, दुनिया कितने तक पुरानी है, अनादि है ना, तो कितने से कितने तक पुरानी है। केवल हम 5000 साल का पीरियड नहीं लेंगे, ये तो चली आ रही है तो पुरानी है ना, कल कल खाली पुरानी कैसे लेंगे। साइकिल वो तो साइकिल है, पुरानी कितने से कितने तक है, 2500 साल ना, कलयुग तक पुरानी, तब तक तो नई दुनिया कहाँ जाएगा ना। तो हाँ वो है लेकिन फिर भी पुरानी द्वापर से कहाँ जाएगा। तो फिर नए से नए सिर सतो प्रधान
परंतु कितने तक पुरानी है किसको पता नहीं। अच्छा, सदैव चार भागों में बांटा जाता है, ये भी चार युग है, पहले नया, फिर चौथा पुराना, और फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। पहले आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वैसे भी जब कोई चीज टूटने लायक होती है ना, तो ज्यादा रिनोवेशन का फिर सोचते नहीं है, फिर कंप्लीटली डेमोलिश सोचते हैं, पूरा ही उसको नाश करके वापस करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल टूटने के लायक हो जाता है। तो अब हम ये संकल्प करें कि यही दुनिया इसी तरह सब आत्माएं एकदम पवित्र बन जाए, इस तरह से एकदम सारी आत्माएं देवता बन जाए, ऐसे संकल्प कर सकते हैं। कल ही की तो बाबा के महावाक्य थे कि बच्चे तुम्हारा योग जितना शक्तिशाली होगा तो विनाशकारी साधन भी तो अपना बारूद काम करेंगे। तो ये मतलब ये तो लॉ है ना, कोई भी बहुत पुराने को रेनोवेट करने का संकल्प भी नहीं आता है, पूरा ही नया बनाने का संकल्प। इसी तरह बिल्कुल ही टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम पाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सत्युग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे वहां योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तुम आते हो, यहाँ आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है ना, योग तो तुम कहां भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहां भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की बातें घूमती रहती है, यहां तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे। जब मुरली सुन रहे हैं तो वास्तव में, क्योंकि बोल कौन रहा है, किसके शब्द है, तो योग लगता ही है। तो योग और मुरली, फिर शब्द ज्ञान भी, समझ भी नहीं, जागृति भी हो रही है और साथ साथ कनेक्शन भी हो रहा है। तो मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, यहां तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे है, पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते मामे कम याद करो, भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते ही नहीं है, बाकी किसने कहा, मन मनाभव, तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते बच्चे मामे कम याद करो, मामे कम याद करो, जो कल के महावाक्य थे बाबा के, सिर्फ मुझे याद करो। तो सिर्फ मुझे, सब कुछ बाप का नहीं, मैं मेरा तो एक बाप, मैं बाबा का, बाबा मेरा, एक बाप, कितने सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है कल के महावाक्य है। तो मामे कम याद करो, ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है। अच्छा, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, उन्होंने का लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी, यह फिर है रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना, ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते ही नहीं है। यहां हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितने पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर, ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है,
और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है और यहाँ तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं, राधा का स्वामी वैसे श्री कृष्ण है, परंतु क्योंकि जैसे ही स्वामी बनते हैं तो नारायण नाम होता है, तो राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, तो उसमें तो स्वामी वाला वो नहीं होगा ना फीलिंग। फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे, जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब तो स्वामी कहा जाए, युगल को कहते हैं। तो राधा स्वामी ये वर्ड भी नहीं निराकार को मानते। हाँ राधा स्वामी उन्होंने तो राधा का विवाह ही नहीं दिखाया है, तो वैसे भी देखो तो राधा स्वामी का क्या मतलब हुआ। वही कई बार पूछा हमने पर वो जवाब नहीं दे पाते हैं और मानते निराकार को है, लेकिन उसमें बस उसमें वही पवित्रता है, पवित्रता का कंसेप्ट है हमारी तरह, और खान पान की शुद्धि थी 2005। अच्छा मानते मतलब निराकार के रूप में मानते, और बाकी फिर और भी सारा ज्ञान वो डिटेल में तो नहीं गए, ब्यास में है ना उसमें सबसे ज्यादा उनका पंजाब का। तो हाँ वहां भी है, तो बाबा कहते हैं, लेकिन वैसे नाम ही थोड़ा एकदम राइट नहीं है। जब स्वयं तो बाबा इसलिए कहते हैं, छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, अब कुमार और कुमारी है, राधा और श्री कृष्ण, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ, बहुत है। एक एग्जाम्पल बाबा देते जो सगाई को भी तोड़ देते हैं, अगर सगाई भी समझो राधे की और कृष्ण की हुई, अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते, राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग है, राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था, सत्यु की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहा, नारायण का बर्थ कहा, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो सिर्फ बीच को जानना होता है, बीच के ज्ञान में मतलब सार रूप में ज्ञान का क्या होता है, आत्मा स्वयं को समझो और बाबा और बाप ही मेरा है, बस सार में यही है पूरे ज्ञान का। लेकिन जो बुद्धि के बहुत सारे लॉजिक है, बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, उन सब के विस्तार को उत्तर देने के लिए फिर ये पूरा ज्ञान है, लेकिन सार में तो यही है। अब बाप के दे भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो सिर्फ बीच को जानना होता है, बीच के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो उचते उच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना, सूक्ष्म है तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
वही नाम अलग, काम अलग, धाम अलग, स्वरूप अलग, फिर भी इकट्ठा कर दिया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते, ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, तत्त्वम तुम भी देवता घराने के हो ना। अच्छा, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते समझाते रहते, बाकी धारणा करने वाले नंबर वार है। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। जितना उसका पद होगा उतना ही उसका पुरुषार्थ होगा, उतना उसको समझानी लगेगी, दिल में लगेगी। तो इसलिए अगर किसी को नहीं लग रही है समझानी, तो क्या संकल्प करना है, इसका पाठ है। जितना पाठ है उतना ही उसका भी कोई दोष नहीं है ना, तो उसका पाठ है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कल्प पहले भी इसने इतना किया था, ऐसे ही किया था, इसलिए ऐसे ही है। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला, विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, आज अच्छा चलते तो कल गिर भी पड़ते, इसलिए माला नहीं बनाते है ना। अच्छा, तो माला बन ना सके, आगे माला बनती थी, सबको पता है ना ये वाला कंसेप्ट, कल्पना बन मालूम है। माला बनाना मतलब बाबा विजयंती माला बनाते थे 108 की, मतलब वही सत्युग में जो स्टार्टिंग से एकदम हाईएस्ट में कौन होगा, उसके बाद फिर कौन, तो जिनका अभी पुरुषार्थ देखते थे तो फिर वैसे माला बनाते थे। वो संदेशी वतन में जाती थी और फिर बाबा बताते थे ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उस समय का पुरुषार्थ का बेसिस पे। पर बाबा इसलिए कहते ना, आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले जिनको बाबा ने 3rd 4th रैंक दिया था, आज है नहीं। ये ज्ञान में विशेषता ये है कि कितना सस्टेन्ड चलता है, ड्यूरेबल कितना है, कितना चलता है, मतलब कंटिन्यूस कितना होता है। क्योंकि जो परिवर्तन आना होता है वो कंटिन्यूस से आएगा। तो बाबा कहते नहीं है, क्यों, ये युद्ध का मैदान है ना, कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो। छोड़कर जाने के डिसीजन के पहले क्लियर कर लो, शायद हो थोड़ी सी बात होती होगी, कुछ और समझ लिया होता है हमने। तो इसलिए बाबा कहते युद्ध का मैदान है ना, अभी नहीं, इसलिए बनाना छोड़ ही दिया ना बाबा ने। उतने छोटा सा ग्रुप था, उसमें भी ऐसे थे, 385 थे ना, उसमें भी ऐसे थे। तो अब तो क्या है, तो 10 लाख है। ये युद्ध का मैदान है ना, मैदान है ना। ब्राह्मणों में भी जो जो कच्चे है, कच्चे जो है वो मूंज पड़ते हैं, मूंज जाते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबर आवार है, कोई कोई तो पूछते भी है। बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर न हो तो कैसे समझा सकेगी, क्योंकि जितना भी हर कोई की परिस्थिति अपनी अपनी होती है, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है, जैसे मैथ्स का होता है ना, फॉर्मूला तो एक ही होता है हमेशा। हाँ, बाकी सबके वो प्रॉब्लम्स जो हमको देते हैं वो अलग अलग देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते पूछो। अच्छा, बाप समझाते, बच्चे ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे,
जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, ये समय तो बहुत आएंगे, तब तक ये आते रहेंगे, बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो पहले नहीं आते थे, तो क्या कहेंगे। फिर भी बाबा ने कई बार कहा ना, संकल्प तक हुआ, कर्मेंद्रियों तक ना आए। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तुम अभी आयो ना। बाबा ने देखो कितना अच्छा जवाब दिया, क्यों पहले ख्याल नहीं आता था, क्योंकि क्यों पहले क्या, अभी ज्ञान में आने के बाद सपोज ऐसा कोई आता है समय, फेज आता है जीवन का, ज्ञान के जीवन का, जिसमें ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, क्या कहेंगे। तो बाबा बहुत अच्छा एक आंसर देते हैं, विदाई लेने के लिए आ रहे हैं, ये भी कहते हैं बाबा के लास्ट में आएंगे विदाई लेने के लिए। और एक ये कहते हैं उथल खाती है ना बीमारी, तो ये उथल खाते हैं फिर चले जाएंगे। रावण से मतलब हम अब दूसरे पार्टी में गए ना, तब पहले वाले पार्टी वाले आक्रमण करेंगे, जब थे ही उस पार्टी में तब थोड़ी कुछ आक्रमण करेंगे। तो बाबा कहते वैद्य लोग, तुम कहेंगे आगे कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आयो ना, पहले युद्ध के मैदान था क्या, एक ही पार्टी थी हमारी, पार्टी चेंज होगी तो फिर तो होगा। वैद्य लोग कहते कि इस दवाई से बीमारी, जैसे ही पार्टी चेंज करते वो पार्टी वाले कितना अफवाह उड़ाते हैं, मतलब मैक्सिमम जितना कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते वैद्य लोग कहते इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इसमें जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी, क्या कहेंगे बाबा। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में, क्योंकि ज्ञान में आने से ये सब संकल्प, भक्ति में संकल्पों पर इतना इतना क्या अटेंशन का कुछ पता, तो पता ही नहीं था ना क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। अब ध्यान दे रहे हैं तो आप पता ठीक करो, किसी को दुख मत दो बस, बट इतना सारा था जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, एक भी संकल्प भी दूसरे का आया, एक बाप दूसरा तीसरा। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो सब बातें समझाते हैं, तो कहेंगे इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं क्या कहेंगे, भल जाओ भक्ति में, ठीक है, किसी को डर तो नहीं लग रहा है, पहले तो इससे तो भक्ति अच्छी। कोई है ऐसे जो संकल्प चल रहा है किसी का? हाँ उर्मिला बेन, हाँ बाबा कहते हैं, क्योंकि मतलब मैदान में तो अभी आए हो ना, उसमें तो मैदान में भी नहीं थे। बाबा तो कहते भल जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी, मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहां भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। एक बहन थी, मतलब दूसरे इसमें कोई पंथ था उसको फॉलो करने वाली, तो उसमें थे नियम आदि कुछ था इस तरह के नियम थोड़े हमारे जैसे, तो उसको बहुत उस करती तो थी फॉलो, लेकिन घर वाले अगेंस्ट में थे युगल, तो शुद्धता का तो मतलब दुखी भी बहुत हुए उससे, अलाउ करते थे लेकिन बहुत दुखी हुए थे,
और उसकी दुखी होने का, इसको दुख बहुत था पर अब इसमें है, मतलब वो भी जो फॉलो कर रही थी उसमें है, क्या कर सकते हैं। तो फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब वहां तो रेगुलर बेसिस पे होता भी नहीं, और वो ज्ञान कोई ऐसे ही शास्त्र पढ़ते हैं आपस में ऐसे मिलके, इस तरह से ही कुछ था ऐसा। ज्ञान तो इतना धारणा तो है नहीं। फिर एक दिन डिसाइड किया छोड़ो ये सब, जाएंगे वहां जाते रहेंगे लेकिन मैं अपना कुछ नियम वियम नहीं करूंगी, और बैक टू मतलब वापस वैसे के वैसे जैसे संसारी होते हैं, और पूरा सब नियम छोड़ दिया। बोला अब मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा है क्योंकि अब युगल बहुत खुश है, सारे नियम तोड़ दिए। और बोला आपके वहां ना नियम बहुत कड़े हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना, और शक्ति भी तो मिलती है और उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट भी तो होता है, खाली कड़े थोड़ी है, पीएचडी है, उसके लिए पूरा एक माहौल मिलता है और फिर उस सामने परिणाम दिखाई देता है। तो मैंने वही देखा, देखो भक्ति थी लेकिन क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन नहीं था, ज्ञान कितनी और अपने नियमों का इतना बड़ा एक महत्व ही नहीं है, रिगार्ड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे। तो यहाँ तो कितना रिगार्ड है नियमों का, हर चीज का। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मुख्य है ही नॉलेज से काम, बाबा तो सब बातें समझाते, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे, रोज सुनने वालों की बुद्धि भी में पूरी धारणा होगी नहीं, मुख्य तो है ही नॉलेज से काम। अच्छा फिर भल कहां भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी, मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी तो मना नहीं हो सकती है, उन दिनों सेंटर्स नहीं होते थे ना, मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं, उनके मंदिर भी होते हैं। तो मुरली कहां भी मिल सकती है, फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना, मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको पता ही नहीं है, लिखा हुआ है भगवान उवाच, उनका नाम शिव है, परमात्मा है ना, परमात्मा अर्थात सुप्रीम, परमधाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना, सब आत्मा आत्मा देवात्मा महात्मा परमात्मा किसके बेसिस पे, किस आधार पे, पार्ट के आधार पर। तो आत्मा में भी तो सुप्रीम पार्ट होगा ना, उनको क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है, वह है रचेता करण करावनहार। अच्छा फिर पाठधारी भी है, इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है, ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया। अच्छा क्या कर किया, कुछ भी नहीं जानते, कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते मुझे आना ही है कलयुग अंत और सत्युग आदि में, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन फिर हम सो पति, चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो, बाप जब स्वर्ग का रचेता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए ना, पिताजी इतना बड़ा मालिक है, भारत को थी अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है, भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो, भूल और अभूल का ये खेल है ना, इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला, जीवन बंध में कितना समय लगा, जीवन बंध में कितने साल लगा, जीवन बंध में
2500 साल थे ना संगम में आते ही निकल गए। तो ये बातें शास्त्र में और जीवन मुक्ति में बाबा कहते हैं एक सेकंड अगर विश्वास हो गया तो कोई भी ज्ञान की बातें हम सुनते जाए निश्चय होने के लिए एक सेकंड चाहिए, बस मुझे करना ही है, नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे हम जस्टिफाई करते, करने के लिए मुरली सुनी बस उस समय से करने लग जाते, एक सेकंड। बंधन, जीवन में रहते बंधन की अवस्था, जीवन बंध, और जीवन में रहते मुक्ति की अवस्था। जीवन बंध में कितना समय लगा ये बात है शास्त्रों में थोड़ी, ये जनक की बात है ना। बाप कहते हैं जो भी कुछ पड़ा है क्या करो, उसे भूल जाओ, भूल जाओ। ठीक है राजू बहन, क्या बोला बाबा ने, जो भी कुछ पड़ा है सब भूल जाओ। क्यों? क्लीन स्लेट करो, तब बाबा जो लिखे तुरंत। हाँ बाकी ये भी हो सकता है जो पढ़ा है ना वो ज्ञान को सपोर्ट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जो भी ज्ञान बाप टीचर सदगुरु मैं ही हूं, 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो, शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते, माया धोखा देती। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग मीठा बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली रोज जरूर पढ़नी है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा है पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, बाप का ही परिचय सबको देना है, बाप का ही परिचय सबको देना है। निश्चय बुद्धि बनना भी है और बनाना भी है। अच्छा वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर, अकाल तख्त पर बैठकर बैठ जाए भ्रुकुटी में, कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्मेंद्रियों से सीट पर बैठने के बाद सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है। कर्मयोगी वह, एक तो जितना अकाल तख्त नशीन और राज्य भाग्य के अधिकारी जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि सभी कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता, तो
तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। जितना आत्मिक कॉन्शियसनेस में होंगे उतना ऑटोमेटिक संकल्प उस आत्मा के सपोर्ट के लिए चलेंगे। शरीर की कॉन्शियसनेस में है तो शरीर देह और देह के संबंधों के सपोर्ट के कॉन्शियसनेस वो संकल्प चलेंगे। स्लोगन है ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है, अच्छा ना ये, जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। हाँ आज का है ना चार्ट ब्राह्मण कल्चर। मतलब एक जो बेसिक जो ब्राह्मण कल्चर है, तो ब्रह्मा बाप से प्यार वह मतलब जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार। तो हमारे कल्चर में क्या क्या आता है, अमृत वेला चार्ट देखा ना, मुरली मुरली क्लास, रेगुलर क्लास में आना, खान पान की शुद्धि, पवित्रता, ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चे बैच लगाए और वहां होटल में जाए तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, फिर पवित्रता, फिर बहुत दैवी गुण, मतलब बेसिक तो ये है ही है ब्राह्मण कल्चर। फिर भोग लगाना, बाबा को भोग लगाना घर में भी है, और भोग का भी कल्चर है हमारा, जैसे भोग लगाने की भी विधि है कि सामने बैठकर बाबा को भोग लगाना, ये नहीं भोग रख दिया बाबा आप खाते रहो मैं भी इधर खाती रहूं, ये भी नहीं। तो ये कल्चर है हमारा, विधि है, विधि पूर्वक। जैसे कोई किसी को खिलाना होता है तो हम क्या कहते हैं, उसकी इर्द गिर्द रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं उसके सामने सारा कैजरोल रख दिया हॉटकेस, तुम लेते जाओ और खाते जाओ, किसको खिलाना होता है। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कल्चर है, सफेद ड्रेस बैच ये करना है, हाँ चलना कैसे, ऐसे जोर जोर से फटाफट सीढ़ियां उतरते वो भी नहीं, कल्चर नहीं हमारा। हाँ दृष्टि ये हमारा नहीं, यूनिकनेस है, वो लोग आंखें बंद करते हम दृष्टि मिलाते ऑलवेज, हाँ तभी तो हो सकता है ना आत्मिक दृष्टि। तो ये सब कल्चर है, अच्छा उससे भी ऊंचा है कि पीएचडी है, बहुत अच्छा। तो सभी को ये कल्चर मंजूर है, नए नए जो भी है, कौन है नीलिमा बेन, कल्चर मंजूर है? जैसे परिवार में जाने के पहले देखा जाता है ना लड़की का कल्चर ठीक है, फिर बाद में पक्का रिश्ता कर देते, ठीक है। और कौन नया है, जयनाथ भाई तो पुराना हो गया ना, हाँ प्रश्न वाला उत्तर उत्तर बताओ भाई, प्रश्न नहीं मालूम, कर्मातीत अवस्था दीदी एक तो, हाँ राइट, एक दूसरा एक जल अडोल रहना है, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी उस समय की स्थिति क्या होगी, ज्ञान में आने से भक्ति छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, अच्छा अच्छा वो तो वैसे शुरू में ही हो जाता है। पराकाष्ठा मतलब अब तुम एकदम पीएचडी बन गए हो, उस समय की क्या स्थिति होती है, कोई भी अच्छा लड़ोल हो गया, कर्मातीत अवस्था हो गए, एक और बाकी है बस, एक और दो तूफान नहीं ला सकेंगे, तूफान हिला नहीं सकेंगे, और एक और है किससे डरना नहीं है तुम्हें किससे। तो उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी,
किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तूफान घर वालों ने बहुत जोर से कह दिया, कुछ भी हुआ, इधर कुछ हिला नहीं। परंतु और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, ये तीन बातें। फिर अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना, जो पहले संकल्प नहीं आते थे वैसे आने लगे, इच्छा है कोई कुछ ऐसे संकल्प आएंगे, परंतु डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना। पता नहीं ऐसे क्यों आया ऐसे संकल्प, कभी कभी इतना कोई मैटर नहीं करता है संकल्प या सपना, लेकिन उसके ऊपर बड़ा चिंतन चलता है, ऐसे कैसे आ गया। अब उसके लिए तो संकल्प करने की जरूरत नहीं, श्रीमत ले लो कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसी के ऊपर वो सपना तो सपना था ना, हो गया, चाहे बहुत रॉन्ग भी आया होगा, गया। अच्छा तो ये करना है। अच्छा अव्यक्त इशारे, कल का है ना 25वीं, सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना है, कभी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख नहीं देना है। दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे एक सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआएं जमा हो। वैसे ये इस टाइप, लेकिन ये 25 में आया हुआ है, वो पहले वाला भी था, वो 23 कर का था मालूम है, 23 में भी इसी टाइप का था। तो ये 25 वाला कल का है, 26। जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं वो वापस पक्का किया होगा मर्यादा सुख देने का। जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर यह विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। तो पुरुषोत्तम स्थिति में स्थितो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ भी न हो। पुरुषोत्तम, तब हमारे विनाशकारी साधन हमारे संकल्प पर कार्य करे। अभी हम सेफ है, अब आप वहां, कई जगह ऐसे बहुत बाढ़ आनी होती है, हम जा रहे होते हैं, पुरुषोत्तम स्थिति वाले संकल्प करेंगे, आना तो है ही ड्रामा अनुसार, हम वहां से यहाँ से वहां पहुंच जाए, उसके बाद बरसात आ जाए, तेज बरसात, संकल्प करेंगे तो जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक तेज बरसात आएगी। प्रकृति भी ऑर्डर के अधिकारी, ऐसा ही ऐसी स्थिति। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स है ना दादियों के, हमारे अपने भी होते। कितना बड़ा मेला करना था याद है ना सभी को, और वहां फरवरी में और बरसात अच्छी आ रही थी, सभी ने योग किया और पहले दिन तक आई, मतलब उस दिन शाम को उद्घाटन है और सारे वो टेंट वाला पूरा भीगा पड़ा है, किसको पता है, याद है? नहीं नहीं हमारा उस वाला जो सेंटर था वहां, तो सुबह तक ये हालत थी, अब शाम को करना है, सभी ने योग किया। बस उस दिन 3 दिन से बरसात हो रही थी और फिर उस दिन किस कौन थे पुराने,
भी मुझे याद है इति। हाँ ये है ना, ये इति है। अजय भाई, हाँ सुनीता बहन, याद है ना आपको? शिवानी बहन के साथ। हाँ दीदी। उस समय फॉग का था, वो था अलग, फिर उसमें एक भी डाउट नहीं, ये संकल्प तो उसमें। तो ये उस सेंटर की बात है, 2014 की बात है। गार्डन में, पार्क में। नहीं, वो तो अभी की बात, वो एक अलग था उसके पहले। E128 में सेंटर था ना, तब की बात है। क्योंकि पूरे वो टेंट के सब गीले हो गए, लाके रखे थे। हाँ पूरा गीला हो गया था, अब वो करेगी कैसे? और हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस पार्क में करने का था। हाँ बहुत बड़ा हुआ था मेला, बर्फ पे था। तो ये था बाबा का पुरुषार्थ। बाकी हाँ अच्छा जी, आज का